बोरीवली सोडा वाला लेन के राजा का उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने नारियल तोड़कर गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ विधिन हर्ता का स्वागत किया। साई वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि सोडा वाला लेन के राजा 31 वर्ष के हो चुके हैं। इस वर्ष 25 फुट की मूर्ति का आगमन बड़े ही धूमधाम ढोलबाजे के साथ किया गया। गणेश बारी जितेंद्र पटेल के साथ साई वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया। साई गणेश वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं, हाजी नगर से जीतू पटेल जी है, सावन खाता है। इस पूरे बोरोटी में साई गणेश वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमारा सोडा वाला लेन का राजा है, वो गत कई साल से बहुत ही पॉपुलर गणपति है। मुंबई में लोकसत्ता अवार्ड हो और कई और अवार्ड जीतने वाला ऐसा हमारा ये गणपति बाप्पा है। नवस को पावने वाला ऐसा हमारे गणपति बाप्पा है। 2 साल के बाद आप जोश देख रहे हैं, ये उत्साह इतना भारी है कि हम ना कहने के बाद भी कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं है। पापा का आगमन जितना जोरदार होगा, उसकी पूजा भी उतनी जबरदस्त होगी और फिर उसका विसर्जन थोड़ा भी हम उतना ही जबरदस्त करेंगे। इतनी उत्साह है आपको, उत्साह तो आप देख सकते हो क्या उत्साह है। 2 साल के बाद जो उत्साह जो आना चाहिए उसका 10 गुना ज्यादा उत्साह दिख रहा है। कोविड के बाद में लोग जो परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया पूरा। यहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी सब नेता भी बापा के हमारे दर्शन में आएंगे। हम यही कहेंगे बापा पूरे मुंबई पर जो भी संकट हो वो अपने चरणों में लो और सारे जो समस्या है वो अपने पेट में लेकर हम सभी मुंबई करों को फिर एक बार अच्छे दिन दिखाओ और हम आपकी इसी तरह पूरे मनोकामना से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और आपका जय जयकार करेंगे। हमारे अध्यक्ष संतोष सिंह जी, उन्होंने बोले थे मैंने पूरे उत्तर मुंबई में ये जो गणपति की मूर्ति का स्थापना किया है पिछले 31 साल से कर रहे हैं, मैं उनके मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर उत्तर प्रगति रहे, ऐसे मैं संतोष सिंह को शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित देखिए, 2 साल के कोरोना के महामारी के बाद में इस साल में हंडी भी लोगों ने उत्साह से मनाया, गणपति बाप्पा भी उत्साह से मनेगा और नवरात्र भी उसी जोश और होश में मनेगा। लेकिन मेरा कार्यकर्ताओं से भी थोड़ा निवेदन है, स्वच्छ भारत अभियान की बात जब मोदी जी कर रहे हैं तो ये सब इस प्रकार का कचरा बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं है। गणपति बाप्पा शिस्त पालन कैसे हो वो हमको सिखाता है। नगरजन हमारे काम से प्रभावित हो इस प्रकार का कृत्य कार्यकर्ताओं ने भी करना है चाहिए। सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं गणपति बापा से चरणा प्रार्थना करूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को बुद्धि दे कि समाज में अच्छा काम, लोगों का मन जीतने का काम सारे लोगों ने मिलकर करने की आवश्यकता है। पॉलिटिशियन ने भी करने की आवश्यकता है, मंत्रियों ने करने की आवश्यकता है, सारे लोगों ने करने की आवश्यकता है। अब ऊपर से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है इसलिए नीचे भी बिगड़ा हुआ है, तो सभी सिस्टम को ठीक ठाक करने की बुद्धि गणपति बापा देंगे ऐसा मैं मानता हूँ।